रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद बदला आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट्स टेबल। ऑरेंज कैप पर्पल कैप की रेस हुई तेज, ये खिलाड़ी बने नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 का छठा महामुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 4 विकेट से मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। और इसी ऐतिहासिक जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो वहीं पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में भी बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की लिस्ट में कौन से खिलाड़ी शामिल है। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम कौन से स्थान पर मौजूद है, कितनी नेट 100 है, कितने पॉइंटों के साथ ये टीमें अपनी पोजीशन पर बनी हुई है, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहां पर पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में। तो फिलहाल आखिरी पायदान से ही हम बात करें तो आखिरी पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने अपना पहला मुकाबला खेला है और पहले ही मुकाबले को ये टीम गंवा चुकी है। इस टीम की नेट 100 है -1.000 के साथ। ये टीम फिलहाल नंबर 10 पर मौजूद है और इस टीम को अब दमदार परफॉर्मेंस करना है। तो नंबर 9 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी एक मुकाबला खेला, पहला ही मुकाबला ये टीम गंवा चुकी है। इस टीम की नेट 100 है -0.455 के साथ। ये टीम फिलहाल नंबर 9 पर मौजूद है। वहीं पर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक एक मुकाबला खेला, पहला ही मुकाबला ये टीम भी हार चुकी है। टीम की नेट 100 है -0.300 के साथ। ये टीम फिलहाल नंबर 8 पर मौजूद है। वहीं पर नंबर 7 पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां पर हैदराबाद की टीम ने अब तक एक मुकाबला खेला, पहला ही मुकाबला ये टीम भी गंवा चुकी है। टीम की नेट 100 है -0.200 के साथ। ये टीम फिलहाल नंबर 7 पर मौजूद है। इस टीम को भी अब शानदार परफॉर्मेंस करने हुए मुकाबले जीतने होंगे। तो नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है, जहाँ पर आरसीबी की टीम ने फिलहाल 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला हारा है। इस टीम की नेट 100 है -0.180 के साथ। ये टीम नंबर 6 पर मौजूद है और इस टीम के पास फिलहाल 2 पॉइंट भी मौजूद है, जिसकी वजह से टीम ने फिलहाल टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। तो नंबर 5 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने भी 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला जीता, एक मुकाबला हारा है। टीम की नेट 100 है +0.025 के साथ। ये टीम फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है और इस टीम के पास 2 पॉइंट भी मौजूद है। तो वहीं पर टॉप 4 टीमों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 4 पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने एक मुकाबला खेला, पहला ही मुकाबला टीम ने दमदार तरीके से जीता है। टीम की नेट 100 है +0.200 के साथ और 2 पॉइंटों के साथ फिलहाल इस टीम ने टॉप 4 में अपनी जगह बना रखी है। वहीं पर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर गुजरात टाइटेंस की टीम मौजूद है, जहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने एक मुकाबला खेला, पहले ही मुकाबले को टीम ने दमदार तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। इस टीम की नेट 100 है +0.300 के साथ। ये टीम नंबर 3 पर मौजूद है और इस टीम के पास फिलहाल 2 पॉइंट है। तो वहीं पर नंबर 2 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने एक मुकाबला खेला, पहला ही मुकाबला टीम ने दमदार तरीके से जीता। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट 100 है +0.779 के साथ। ये टीम नंबर 2 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 1 पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एक मुकाबला खेला, पहले ही मुकाबले को टीम ने दमदार तरीके से जीता। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट 100 है +1.000 के साथ। ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है, यानी कि टॉप 4 टीमों में फिलहाल राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें मौजूद है, जिन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर पॉइंट्स टेबल में टॉप में जगह बनाई है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें यहां पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस के बारे में। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है दिनेश कार्तिक,
जहां पर दिनेश कार्तिक ने अब तक अपने आईपीएल के 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबलों में मिलाकर इन्होंने टोटल 66 रनों की दमदार पारी खेलते हुए फिलहाल नंबर 5 पर जगह बनाई है। तो नंबर 4 पर शिखर धवन मौजूद है, जहां पर शिखर धवन ने भी अब तक आईपीएल के अपने 2 मैच खेले जिनमें इन्होंने 67 रनों की शानदार पारी खेली है। तो नंबर 3 पर मौजूद है संजू सैमसन, जहां पर संजू सैमसन ने भी अपने पहले मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 82 रनों की शानदार पारी खेल के दिखाई। तो नंबर 2 पर मौजूद है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से सैम करन, जिन्होंने अब तक 2 मैच खेले और 86 रनों की शानदार पारी के साथ नंबर 2 पर मौजूद है। तो नंबर 1 पर चल रहे हैं विराट कोहली, जहां पर विराट कोहली ने अपने 2 मुकाबलों में 98 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से इन्होंने फिलहाल ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा रखी है। तो वहीं पर पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 गेंदबाजों की बात करें तो फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के टी नटराजन, जिन्होंने अपने 1 मैच में 3 विकेट चटकाए। तो नंबर 4 पर मौजूद है कगिसो रबाडा, जिन्होंने अपने 2 मैच में 3 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं पर नंबर 3 पर मौजूद है हरप्रीत ब्रार, जिन्होंने 2 मुकाबलों में 3 विकेट चटकाए 27 रन देकर। तो नंबर 2 पर मौजूद है जसप्रीत बुमराह, जहां पर बुमराह ने अपने 1 मैच में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो नंबर 1 पर चल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के मुस्ताफिजुर रहमान, जिन्होंने अपने 1 मैच में 29 रन देकर 4 विकेट चटकाते हुए फिलहाल पर्पल कैप अपने सर पर सजा रखी है। यानी कि यहां पर पर्पल कैप की रेस में मुस्ताफिजुर रहमान नंबर 1 पर मौजूद है, तो ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली ने फिलहाल ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा रखी है। तो वहीं पर टॉप 4 टीमों में फिलहाल नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर यहां पर नंबर 1 बनेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।